这个三十三，冰的冰的三十三。देखो भाई 300 किलोमीटर पार कर चुकी है। Good morning, friends. Again from my window. Welcome to.The series of People's Republic of China. हमारा ट्रिप यहाँ शंघाई में बहुत ही खूबसूरत रहा और अब हम जा रहे हैं ईवू की ओर. आज की जर्नी होगी हमारी बुलेट ट्रेन से. तब तक हम नाश्ता करते हैं. मैंने अपनी चाय निकाल ली है. ये है लौंगवा टी जो मैंने यहाँ से ली है और हम बना रहे हैं. हमने मुंबई से लाया था पैकेट MTR 3 minutes उपमा. और अगर आपने पहले के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो आप व्लॉग्स देख लीजिए. और हमारे इस रूम का व्यू मैंने उसमें भी दिखाया है. अभी भी दिखा देती हूँ आपको. ओके गाइस, सो सेइंग टेम्पररी बाय एंड शी वाज वेरी हेल्पफुल इवन शी. वैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम ट्रेन से जाए, मेट्रो ट्रेन से, क्योंकि मेट्रो ट्रेन में आप जा सकते हैं लगेज लेकर के. हम चल दिए हैं. हमने सोचा कि चलो बारिश थोड़ी सी रुक गई है, थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी शिमर हो रही है, लेकिन मेट्रो तक पहुंच जाते हैं. यहाँ से हम टैक्सी भी ट्राई कर रहे थे. स्टेशन के उधर आए थे लेकिन यहाँ पे स्टेयरकेस थे. सो इन्होंने हेल्प की. शेषे शेषे ये एक्चुअल में अपने शॉप है उनका. बता रही है कि वहाँ पे आप खरीद सकते हैं. मैंने कहा अभी हमारे पास टाइम नहीं है. हमें ये देखना ज़रूरी है कि हम कौन से लाइन से जा रहे हैं और कनेक्टिंग लाइन कौन से. 10 yuan में हम लोग पहुंच जाएंगे स्टेशन. और वैसे 26 किलोमीटर था स्टेशन मतलब हमारे होटल से, तो करीबन हमारे लग जाते अराउंड समझ लो 1400 के आसपास. मतलब वही QR कोड से हमने कट किया तो मतलब निकाली टिकट तो अराउंड 118 रुपीज़ हमारे कट हुए. हमें जो जाना है वो ऊपर वाली में जाना है और उसका नंबर मेंशन है. ओके, तो अभी हम लोग ईस्ट नैनजिंग रोड को क्रॉस कर रहे हैं. यहाँ पे सीट्स स्पेसिफिकली लेडीज के लिए नहीं है. सीनियर सिटीजन है उनके लिए स्पेसिफिक सीट है. या मान लिया कि आप जो है डिसेबल है. लैंगटॉन स्टेशन मेट्रो स्टेशन टू हांगचौ रेलवे स्टेशन. 10 नंबर लाइन को याद रखना. हम ऊपर की ओर जा रहे हैं. लेट्स सी. तो हांगचौ रेलवे स्टेशन पर हम हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं ईवू. और हम जा रहे हैं अगेन हाई स्पीड ट्रेन में. हाई स्पीड रेलवे हांगचौ कमर्शियल सेंटर है ये. ठीक है, यहीं से हमें जाना है. आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक टिकट भी आप ले सकते हैं. ठीक है, QR कोड स्कैन करके. और वहाँ पे कैश काउंटर, यहाँ से आप कैश दे करके भी ले सकते हैं. क्योंकि हमारे पास कैश है तो हमने सोचा कि उसका इस्तेमाल किया जाए. और 12:41 की ये ट्रेन है. अभी हमारे पास टाइम है अराउंड समझ लीजिए 41 मिनट का. और 122 पर हेड दिखा रहा था. यहाँ trip.com पे भी बुक कर सकते हैं. इसमें देखिए बिजनेस क्लास है, फर्स्ट क्लास है और सेकेंड क्लास है. तो ये After 12:30. Research at 2 o'clock today. The Shanghai Hongqiao to Yiwu station. Standings, okay? 246. हमारी टिकट बेसिकली सेकेंड क्लास की जो थी वो सोल्ड आउट हो चुकी है. अभी सिर्फ हम या तो स्टैंडिंग जा सकते हैं, उसी रेट में जाना है, तो या तो फिर हमें लेना पड़ेगा फर्स्ट क्लास जो काफ़ी एक्सपेंसिव. वैसे trip.com पे भी सेम ही रेट बता रहा था. देर इज़ नो डिफरेंस. तो आप trip.com पे भी बुक कर सकते हैं. हमें उसमें मिल रही थी टिकट, हमें सिर्फ कैश पे आना था, आप लोगों को दिखाना था. उस चक्कर में हमारा सिटिंग गया. एनीवेज, लेकिन अच्छा है कि इन्हें इंग्लिश आती है तो बहुत दिक्कत नहीं हुई. हमें सेकंड फ्लोर में जाना है लेकिन हमारी वो टिकट सोल्ड आउट हो गया. 320 की टिकट है और कुछ ऐसा पास होता है 332 की है. ये तो टिकट 246 yuan की है. पब्लिक देखो भाई चाइना की कितनी भीड़ है. बहुत क्राउडी जगह है यार. ये है डिपार्चर. सेकंड फ्लोर पे हम लोग जा रहे हैं. मेल ट्रेन्स भी यहाँ से कनेक्ट होती है. तो ये ट्रेन्स
का जो ये मतलब इज अ काइंड ऑफ अ जंक्शन, तो यहाँ पे बाथरूम जो है टॉयलेट्स में आपको इंडियन कमोड मिलेगा, और यहाँ कहीं पे भी होटल में या फिर यहाँ मतलब पब्लिक प्लेस में आपको ना ही जेट स्प्रे मिलेगा और ना ही पानी मिलेगा. हाँ, पानी की बॉटल प्लीज़ साथ में रखना, क्योंकि मुझे तो उसके बिना काम नहीं चलेगा. तो मैं खाली बॉटल एक रखती हूँ तो काम चल जाएगा. यहाँ पे इवन पुलिस बूथ भी स्टेशन के अंदर ही. डोनट्स है वो 12 युआन का है ये वाला, ओके. और ये जो क्लासिक डोनट प्लेन है वो 8 युआन 37 में कितना ये? हाँ, यहाँ पे हमारे लादी पाव मुझे दिखाई दिए. सिक्योरिटी चेक इन से हम पहले अंदर जाएंगे, उसके बाद सारे प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं. वेल, जो लोकल्स हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो भी फॉरेनर्स हैं उनके पासपोर्ट दिखाने हैं यहाँ पे डेस्क पे, और उसके बाद ही आप एंट्री कर सकते हैं. पर ऐसा नहीं है कि आप बस स्कैन करके अपनी टिकट निकल लिए. जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं, पूरा चेक कर रहे हैं पासपोर्ट, और फिर चेक करने के बाद फिर आपको ओके. तो हमारा सिक्योरिटी चेक इन हो गया है. इवन स्टेशन पे, तो मतलब हर स्टेशन पे आप जाओगे तो आपको पासपोर्ट बताना है अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे हो. ओ, हुजूम लगा हुआ है. आप अगर पब्लिक को देखोगे तो पागल हो जाओगे. 14AB इस तरफ जाना है मुझे. तो यहाँ रहा हमारा नंबर, चाहे आप बी से जाइए ए से जाइए एक ही बात है. यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो काफ़ी बड़े बड़े शोरूम हैं यार. जैसे हमारे एयरपोर्ट पे होता है ना, देखो कितना ढंग का बना हुआ है. देखो, गोल्फ, बैले, बॉस, कोराइडोर. इस साइड में देखो मैगी दिख रहा है. बट प्रॉब्लम ये है मैकडोनल्ड में भी, कि हम लोगों ने कल पूछा मैकडोनल्ड में, 3-4 मैकडोनल्ड को हमने पूछा शंघाई में, कहीं भी वेजिटेरियन फूड मतलब वेजिटेरियन आइटम्स है ही नहीं. का कैसा होता है, चेक इन ऑन स्केड्यूल, स्टॉप टिकट, देखिए सारा मेंशन किया हुआ है. उसी तरीके से यहाँ पे हमारी ट्रेन का भी टाइम स्केड्यूल हुआ है, G7337. मैं ये नहीं कहूँगी बॉम्बे सेंट्रल, क्योंकि वो भी छोटा है, ये बहुत बड़ा है. मतलब जो कॉमन लाइन थी यहाँ के सिटीजन्स की, वो लाइन में आप खड़े ज़रूर रह सकते हैं, आप आगे आ सकते हैं, लेकिन आपको अलाउ करेंगे व्हेन यू गिव योर पासपोर्ट. चाइना में कहीं पे भी अंदर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सारी जानकारी उनको होती है. जैसे हमारे इंडिया में है ना, कि एक बार कोई अंदर घुस गया तो वो चाहे जहाँ चले जाए कोई नहीं पूछने वाला है. ओके, तो ये है हमारी ट्रेन. वाओ, इस ट्रेन में हम जाने वाले हैं, और 1 to 18 इसमें लगे हुए हैं कोच, और हमारा है 10 नंबर लेकिन स्टैंडिंग. चलिए मैं आगे से आपको लोको भी दिखा देती हूँ. ये पायलट है इसके, उन्हीं के साथ चल रहे. पूरा मैप दिया गया है, जस्ट लाइक इवन मैगलेर ट्रेन थी वहाँ पे भी वैसे ही था. ये हम फर्स्ट कोच पे हैं, पायलट अंदर जा चुका है. ट्रेन में जैसे इमेजिन कर रही हूँ, मैंने कभी सोचा था कि मैं भी हाई स्पीड ट्रेन में चढ़ूंगी. वैसे 3 अलग अलग टाइप की ट्रेन चलती हैं चाइना में, पर ये तो अमेजिंग है यार कि हम इस ट्रेन में चढ़ने वाले. पहले मैंने मैगलेर ट्रेन की थी, बुलेट ट्रेन. इसमें अंदर का दिखाई दे रहा है, जैसे मैगलेव ट्रेन में बाहर से अंदर का नहीं दिखाई दे रहा था. मतलब ये हमारा कोच है, 10 नंबर कोच, और 10 नंबर कोच से मैं अंदर जा रही हूँ. एक्साइटमेंट है, ट्रेन होता तो एक्साइटमेंट होता ही है ना दोस्तों. ये देखिए यहाँ पे जगह रखी हुई है, यहाँ पे भी रख सकते हैं. वैसे हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने पे तो किया है इस कोच का. ओके, हमारी ट्रेन बंद हो चुकी है, दरवाजे बंद हो चुके हैं, मतलब ट्रेन के दरवाजे बंद हो चुके हैं, और हमारी ट्रेन चल पड़ी है.
ओके अब प्लेटफॉर्म से छूट चुकी हमारी ट्रेन बाहर की ओर निकल रही है एंड दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग राइड. अंदर का ब्यौरा दे देती हूँ. हाउ द सीट्स आर, एक तरफ तीन हैं, एक तरफ दो सीट्स हैं और विंडोज बड़े बड़े से हैं. हाँ, कंपेयर टू मतलब हमारी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उससे छोटे विंडोज़ हैं. 18 रोज हैं ये पूरे एक कोच में, लेकिन हर कोच में डिफरेंट डिफरेंट है. इसके पहले का जो कोच था ना उसमें कम मुझे दिखाई दिए. मैगलेव ट्रेन डिफरेंट थी. मैगलेव ट्रेन में दो थे, एक था वीआईपी और दूसरा था फर्स्ट क्लास. रेड बटन टू अनलॉक. यस, यू प्लेस इट. ओह या, रेड बटन अनलॉक करने के लिए और ग्रीन बटन आपका पानी जो है आ जाएगा. थैंक यू. रेड अनलॉक करने के लिए फिर उसमें गर्म पानी आता है, तो मतलब आप अगर कोई भी चीज़ रेडी मिक्स लाते हैं तो उसमें आराम से हो जाएगा. जैसे अभी मैंने देखा कि एक ने किया, लेकिन बाय द टाइम मैं कैमरा खोलती तब तक में उनका काम हो चुका था. जैसे एयर हॉस्टेस होती है वैसे ही ट्रेन हॉस्टेस होती है यहाँ पर, और हमारे वंदे भारत एक्सप्रेस में भी है. अभी मैं हूँ यहाँ के टॉयलेट में और नीट है, कुछ ऐसा है. ये कमोड है, बेसिन है, डस्टबिन है और शीशा है. मज़े की बात यह है कि चाइना की जो ट्रेन की हिस्ट्री है वो सिमिलर ही है जैसे हमारे इंडिया की हिस्ट्री रही है ब्रिटिश एरा की. लेकिन द बेस्ट पार्ट चाइना ने जो किया वो ये किया कि जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इन 20th एंड 21st सेंचुरी में, इन्होंने अपने आप को इतना एलिवेट किया कि आज की तारीख में यहाँ पे बुलेट ट्रेन्स चलती हैं जो कि 300 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल सकती है. सो दैट इज़ अमेजिंग थिंग. ऑल दो इन्होंने अभी जापान को बीट नहीं किया है, लेकिन जो यहाँ पे ट्रेन्स चलती है, मैक्सिमम ट्रेन्स यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन्स हैं और 40,000 किलोमीटर का इन्होंने ट्रेन का एरिया कवर किया है, विच कैन रन इन एज एन बुलेट ट्रेन रन्स देर. तो 40,000 किलोमीटर से अब एलिवेट होकर के इन लोगों का टारगेट है 2025 तक में ये लोग 70,000 किलोमीटर का रेडियस, मतलब 70,000 किलोमीटर इन लोगों की ट्रेन चलेगी इस स्पीड से नहीं. दे आर गोइंग टू एलिवेट फ्रॉम 300 टू 350, और वैसे बोला जा रहा है कि इनकी कोशिश है कि 600 किलोमीटर पर आर की स्पीड से भी ये लोग चलेंगे. जय शनन. अभी ये लोग कैसे इसे प्रोनाउंस करते हैं आई डोंट नो, लेकिन जे से है. ओके, ये ओपन हुई है. कितनी देर तक ओपन होगी आई डोंट नो, लेट्स सी. मैं भी बाहर निकलती हूँ, दिखाती हूँ. जब तक वो भी अंदर नहीं जाता मैं तब तक बाहर रहती हूँ. कहीं पता चला हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह ही भी चल दी 2 मिनट में. कि हमारी ट्रेन की स्पीड को इससे कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे ट्रैक्स अभी उतने स्ट्रॉन्ग बने नहीं है, लेकिन आई विश कि बन जाए और हम हमारी ट्रेन्स इसी तरीके से चलने लग जाए तो कितना अच्छा हो. लेकिन फ़िलहाल ये कोशिश है कि 180 किलोमीटर पर आर की स्पीड से हमारी ट्रेन चले. और वैसे एक फर्स्ट बुलेट ट्रेन साबरमती से लेकर के साबरमती रेलवे स्टेशन से मुंबई तक जाने वाली है, तो होपिंग फॉर द बेस्ट. लेकिन हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम. जो पार्टी रूल करती है जिस जगह पर, वो उस जगह पर दूसरी पार्टी का इनोवेशन या उसका जो क्रिएशन है वो लाने की मतलब बिल्कुल अगेंस्ट में रहते हैं. तो इसी वजह से हमारे यहाँ पर जो डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड है ना वो पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से दब जाता है. चलो, हमारी ट्रेन ने मतलब प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है. रोड्स आर रियली ब्यूटीफुल. आई विश आवर इंडिया गोज ऑन दिस ट्रैक. बारिश लगातार हो रही है. हम जिस दिन आए ना उसी दिन से बारिश हो रही है. दिव्या भी इट्स नॉन वेज, लेकिन उसको भी यहाँ का नॉन वेज नहीं जम रहा है. वो अपने यहाँ पे होता है ना तेल में बना हुआ एंड ऑल दैट, यहाँ पे बॉइल्ड होता है सारा गीला गीला
and he is not liking it basically. यहाँ पे means वो चल ही नहीं रहा है, internet तो चल ही नहीं रहा है. एक और चीज़ बता दो कि अगर आप चाइना में आ रहे हैं तो उसके पहले आप जो है ना अगर इंडिया में है तो लेट्स VPN को डाउनलोड कर लो. लेट्स VPN वर्क्स अल्टीमेट. ओके, आपका सब कुछ चलेगा, गूगल मैप भी चलेगा, आपका व्हाट्सएप भी चलेगा, सब कुछ चलेगा. बस और हम लोगों ने ना नॉर्ड VPN भी किया था, लेकिन नॉर्ड VPN उतनी अच्छे से नहीं वर्क कर रहा है. ओके, तो हम लोग आ गए हैं और एक स्टेशन पर एंड दिस इज व्हाट विद स्टेशन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. जैसे कि स्पेस में देख रही हूँ, काफ़ी स्पेस है, देखो काफ़ी स्पेस है यहाँ पर. सो मैं कुछ खरीदती हूँ यहाँ से. व्हाट डू दे हैव? अच्छा, यू हैव फूड आल्सो. मुझे ऑर्डर करना है कैफे लाटे. कैफे लाटे या कैपेचिनो? नो नो सॉरी, कैपेचिनो. यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेट है, जैसे कैफे लाटे का 30, कैपेचिनो का 31 एंड कैफे अमेरिकानो 27, आइस अमेरिकानो 33, आइस लाटे 36 yuan. मैं वहाँ जा करके पूछ के आई, वहाँ एक प्रॉपर टेबल है जहाँ पे ऑर्डर लिया जाता है और इट कॉस्ट अराउंड 26 से लेकर के 36 युआन कॉस्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट बेवरेजेस का. वैसे तो आपने स्टारबक्स में जाकर के कॉफ़ी पी होगी, लेकिन बुलेट ट्रेन में चाइना में स्टारबक्स हर कोने कोने पर है, हर नुक्कड़ पर है, और मैं ट्रेन में भी पी रही हूँ. तो यहाँ पे जो काउंटर है वहाँ पे आपको स्टारबक्स के कॉफ़ी, अमेरिकन whatever आइस टी एंड एवरीथिंग मिलेगा, और उसके अलावा मील्स मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे. सबसे कम जो रेंज फ्रूट का था वो था 15, ज़्यादा था वो था 40, लेकिन 40 वाले फ्रूट मुझे अच्छे नहीं लगे उतने जितना 15 में ग्रेप्स थे. तो यहाँ पे जिसके हाथ में देखो स्टारबक्स ही स्टारबक्स है, जैसे इनके हाथ में देख रही हूँ मैं, इनके हाथ में देख रही हूँ मैं, सबके हाथ में. कोई मेन स्टेशन है वहाँ पर बहुत सारे लोग उतर रहे हैं. एवरीबॉडी इज गेटिंग डाउन. देखिए यहाँ पे लोग रश नहीं कर रहे हैं कि हम भी उतर जाएंगे, हम चढ़ेंगे, आप उतरो मत, ऐसा नहीं है यार. आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैं तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन तारीफ़ जो चीज़ की है वो है. विच स्टेशन इज दिस? Station, this station. Yeah. Okay. Thank you. Sashi. तो बस बेसिकली हम लोगों की ट्रेन से वैसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, अपार्ट फ्रॉम इसका पूरा जो इंटीरियर है ना वो बहुत ही उमदा क्वालिटी का है, जो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जहाँ अपने रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर आता है. पर हाँ वही है कि जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा, तो उतना ही जो है पब्लिक को भी शक्कर डालनी पड़ेगी उतनी. गाइस द अमेजिंग पार्ट इज कि ये ट्रेन जो है ना वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, लेकिन इंडिकेटर में 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलती है ये ट्रेन. वाओ, कितना ब्यूटीफुल है. वो चेक करना पड़ेगा. पता चला यू निकल गया. इन लोगों को पता है ना यू. तो मैं बाहर का बताऊं तब तक. ओके, हमारा स्टेशन आ गया है. यू के बारे में ये बता दूँ कि ये बहुत बड़ा मार्केट है, होलसेल मार्केट,
जहाँ से दुनिया जहाँ से लोग यहाँ पर बिज़नेस करने आते हैं और यहाँ ख़रीदारी करने आते हैं, उसका अलग से व्लॉग बनेगा। ये व्लॉग आपका है मेट्रो ट्रेन से लेकर के मेरे होटल से लेकर के मेट्रो ट्रेन शांग्रिला टू यू इन मेट्रो एंड बुलेट ट्रेन। यहाँ पे बेसिकली ट्रेन में उतना अलाउड नहीं है कि हम कैमरा यूज़ करें, इसलिए मैंने कहा मैं अपना पर्सनल शूट कर रही हूँ तो मैं कुछ भी बताऊंगी नहीं, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें बताऊं, तो मैंने उस हिसाब से किया है शूट। आई होप यू लव्ड इट। बेसिकली लविंग इज़ मोर अबाउट, हमने इस ट्रेन में जर्नी की और हमें ये पता चला कि लोग जो बोलते हैं कि भाई बुलेट ट्रेन में सफ़र करना चाहिए, नहीं बुलेट ट्रेन चाइना जैसी होनी चाहिए, लेकिन चाइना जैसी बुलेट ट्रेन होने के लिए हमारा सारा जो है सिस्टम उस तरीके से होना चाहिए। स्लीपर हब, ये वो हब है जहाँ पर लोग जो हैं होलसेल मार्केट को एक्सप्लोर करने आते हैं, और हमारे यहाँ पे जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स दिखते हैं ना वो यहीं से आते हैं, और ये किस तरीके से डील करते हैं, किस तरीके से इन लोगों का पैकेजिंग सिस्टम होता है, क्या कुछ होता है क्या नहीं होता है, किस तरीके से इन लोगों का बिजनेस करने का तरीका होता है, वो सारी चीज़ें मैं अगले व्लॉग में बताऊंगी यू के व्लॉग में। यहाँ पे फ्लोरिंग है पूरा, ये पूरा फ्लोरिंग है और उसके ऊपर ही इन लोगों ने बनाया हुआ है। देखिए अपने यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि 180 किलोमीटर पर आर की स्पीड का जो है ट्रैक बने और कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे ये है कि आपको खड़े खड़े अगर जाना है तो जाइए, पैसे उतने ही लगेंगे। जैसे हम यहाँ पर एंटर हुए हैं, अभी तो हम बाहर नहीं गए हैं अपना मतलब शहर में, तो सामने से आए, ये पुलिस का पूरा काउंटर है, ये है यहाँ पे सिक्योरिटी ज़बरदस्त टाइट है। दे आर नॉट रूड, दे आर नॉट वेरी, वो ऐसे भी नहीं है कि आपको बहुत डराने की कोशिश करेंगे या वैसे। ओके, हम लोगों के लिए मतलब वो गेट खोल के देते हैं, हम ऐसे काउंटर से नहीं जा सकते हैं, हमें ऐसे गेट खोल के देते हैं। थैंक यू।